दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। 2023 धनतेरस के दिन कितने दीपक जलाने चाहिए? दिवाली के दिन इस एक स्थान पर जरूर जलाएं, दिया जाने महत्व और लाभ। दोस्तों, दिवाली पूजन में गलती से भी न चढ़ाएं ये फूल, वरना घर में हो जाएगी धन की कमी। दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दिए गए हैं। दोस्तों, आपके लिए हम सारी जानकारियां इकट्ठा करते हैं दोस्तों, ताकि आप तक सही सी जानकारियां पहुंच सके और आप पूजा का लाभ उठा सके। इन छोटे छोटे उपाय करके आप अपने पूजा को सफल बना सकते हैं। दोस्तों, धनतेरस से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन कितने दीपक जलाने चाहिए? तो दोस्तों, सारी जानकारियां हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो वीडियो दोस्तों थोड़ी लंबी हो सकती है, पर पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिवाली के दिन इस एक स्थान पर जरूर जलाएं, दिया जाने महत्व और लाभ। दोस्तों, इस साल दिवाली 12 नवंबर की पड़ रही है। अमावस्या के दिन होने के कारण दिवाली का धार्मिक के साथ ही ज्योतिष एवं वास्तु में भी खासा महत्व माना जाता है। दोस्तों, दिवाली हिंदू धर्म के महापर्व माना जाता है, क्योंकि यह 5 दिनों तक मनाया जाता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिवाली के दिन दिया जलाने का न सिर्फ महत्व है, बल्कि उसके कई लाभ भी है। दोस्तों, धनतेरस से ही दिवाली महापर्व की शुरुआत होती है। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी और धन्वंतरी भगवान की पूजा का विधान है। धनतेरस के दिन शुभ वस्तुएं घर लाने की परंपरा भी है। धनतेरस का हिंदू धर्म में बहुत महत्व माना जाता है। धनतेरस से ही दिवाली महापर्व की शुरुआत होती है। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी और धन्वंतरी भगवान की पूजा का विधान है। धनतेरस के दिन शुभ वस्तुएं घर लाने की परंपरा भी है। दोस्तों, इसके अलावा यह भी माना जाता है कि धनतेरस के दिन दीपदान भी अवश्य करना चाहिए। हालांकि ज्यादातर लोगों को यह जानकारी नहीं होती है कि धनतेरस के दिन कितने दिए जलाने चाहिए। ऐसे में ज्योतिषाचार्य राधाकांत वत्स से आइए जानते हैं इस बारे में, धनतेरस के दिन कितने दिए जलाने चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन कुल 13 दिए जलाने चाहिए, लेकिन इनमें से 5 दिए मुख्य स्थान रखते हैं। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा के बाद सबसे पहले शाम के समय दक्षिण दिशा में यम देवता के लिए दिया जलाना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद 2 दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलने चाहिए, फिर 4th दीपक तुलसी के पौधे के पास जलाना चाहिए और आखिर में 5th दीपक घर की छत पर जलाना चाहिए। इसके अलावा घर के 13 कोनों में 13 दीपक जलाने चाहिए। दोस्तों, जब सब जगह दीपक जल जाएं, तब उसके बाद एक अखंड दिया घर के मंदिर के आगे जलाना चाहिए। इस अखंड दिए को लगातार भाई दूज तक जलाकर रखना चाहिए। ध्यान रहे कि सभी दिए घी से ही जलाएं, तेल का प्रयोग न करें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यम के लिए दिया जलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। घर के मुख्य द्वार पर धनतेरस के दिन दिया जलाने से घर में सकारात्मकता का संचार होता है। तुलसी की मंजरी के उपाय के पास दिया जलाने से लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, वही घर की छत पर धनतेरस के दिन दिया जलाने से राहु का दुष्प्रभाव खत्म होता है और ग्रह भी शांत हो जाते हैं। इसके अलावा घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी धनतेरस के दिन दीपदान करना चाहते हैं, तो पहले इस वीडियो में दी गई जानकारी के माध्यम से यह जान ले कि इस दिन कहां था और कितने दिए जलाए जाते हैं। अगर हमारी वीडियो से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं, तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आप तक सही जानकारी पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। दिवाली के दिन इस एक स्थान पर जरूर जलाए, दिया जाने महत्व और लाभ। हालांकि ज्योतिष में कुछ विशेष स्थान भी बताए गए हैं, जहां दीपक अवश्य जलाना चाहिए, यह बहुत शुभ होता है। इन्हीं में से एक स्थान है कूड़ादान। मान्यता है कि दिवाली के दिन कूड़ेदान के पास दीपक अवश्य जलाना चाहिए।
ज्योतिषाचार्य से आइए जानते हैं इसके पीछे का महत्व और इससे मिलने वाले लाभ के बारे में। दिवाली में कूड़ेदान के पास दीपक जलाने का महत्व। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि दिवाली के दिन कूड़ेदान के पास दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अमावस्या की रात नकारात्मक ऊर्जा हटाने के उपाय का स्रोत सबसे ज्यादा संचारित होता है। दोस्तों, वही घर का टॉयलेट, कूड़ेदान, घर की छत आदि वो स्थान है जहां नकारात्मकता अधिक होती है। ऐसे में दिवाली की रात इन जगहों पर दीपक जलाने से नेगेटिव एनर्जी घर से पूरी तरह दूर हो जाती है। वही कूड़ेदान के पास दीपक इसलिए भी जलाया जाता है क्योंकि इससे राहु का दुष्प्रभाव खत्म होता है। कूड़ेदान को घर की वो वस्तु माना जाता है जहां पूरे घर की ऊर्जा एक स्थान पर आकर इकट्ठा होती है। अगर कूड़ेदान के आसपास की जगह स्वच्छ रहती है तो नेगेटिव प्रभाव कूड़े के साथ घर में चला जाता है। दोस्तों, अगर कूड़ेदान की आसपास की जगह गंदी होती है तो घर में दरिद्रता दूर करने के उपाय आती है, माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। इसलिए दिवाली की रात कूड़ेदान के पास 11 दीपक जलाने चाहिए, इससे घर में समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, दिवाली पूजन में गलती से भी न चढ़ाएं ये फूल, वरना घर में हो जाएगी धन की कमी। 2023 इस साल दिवाली 12 नवंबर को मनाई जाएगी, इसके लिए सभी के घरों में तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन दिवाली की पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है जिससे घर में धन की कमी ना हो। आइए जानते हैं। इन फूलों का इस्तेमाल पूजा में ना करें। दिवाली के दिन सभी के घरों में माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा विधि विधान से की जाती है। दिवाली के दिन कोई भी विधि विधान से पूजा करता है तो उसके घर में धन की कमी नहीं होती है और आर्थिक तंगी भी नहीं होती है, साथ ही घर में हमेशा धन आता रहता है। दिवाली की पूजा में धतूरा, हरसिंगार, तगर, कनेर, जमीन पर गिरे हुए फूल, सूखे फूल आदि भगवान को नहीं चढ़ाने चाहिए। अगर इन फूलों को चढ़ाते हैं तो घर में धन की कमी और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। दरअसल दिवाली में लक्ष्मी गणेश की पूजा करते समय कुछ फूलों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है और धन की कमी होती है, इसके साथ ही घर में दोष शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी के माध्यम से आप भी दिवाली के दिन इस एक स्थान पर दिया अवश्य जलाएं और साथ ही जानें क्या है इस एक जगह पर दिया जलाने के लाभ और इसके पीछे का महत्व। अगर हमारी वीडियो से जुड़े आपके कुछ सवाल है तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे।